खुद एक सिफारिश से लगी हुई हैं। जो सिफारिश से आएगा वो सिफारिश जैसा माहौल बनाएगा, जैसे बोगे वैसा ही फल मिलेगा। मेहनत करते हैं, ग्राउंड में आते हैं, जो देश के लिए पदक लाते हैं। ये उन बच्चों के मेडल दिए जा रहे हैं जो घर बैठे अपने बाप दादाओं की अप्रोच से मेडल ले रहे हैं। ये एक नेक्सस चल रहा है, स्पोर्ट्स नेक्सस, ये सिंडिकेट बन चुका हुआ है। सेक्टरी स्पोर्ट्स काउंसिल इस सिंडिकेट की हेड है और इसके साथ दे रहा है रियाज, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, वो एक सबसे बड़ा करप्ट है। ऑलरेडी उसका केस विजिलेंस में चल रहा है, एंटी करप्शन में। उसके एंटी करप्शन के केस में जो आई होता है उसका बेटा भी इस लिस्ट में है। ये सीधा दर्शाता है कि उसने आईओ के बेटे का भी मेडल मैनेज किया हुआ है, जिसके सीधा ये सीधा अफेक्ट पड़ रहा है जो हमारे जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन है, जो अपनी मेहनत से, जो अपने दम से, अपने स्किल से मेडल लाते हैं। और ये सीधा सीधा जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन की पेट पे लात मारने वाली बात है। आज ये लिस्ट 10 साल के बाद आउट हुई है, वो भी उसमें भी सबसे ज्यादा फ्रॉड है। पिछले 3 साल में 3 स्पोर्ट्समैन ने सुसाइड कर चुके हैं। ये इसके जिम्मेदार सिर्फ नुजर गुल है, एसी के कमरों में बैठ के लोगों के मेडल मैनेज करती है। ये भूल चुकी है जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन धूप में खड़ा होकर पसीना बहा के वो मेडल लेता है। वो कुछ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने के लिए वो उनके बच्चों के रिलेटिव के मेडल मैनेज कर रही है।